पैसे तो वो इस फाइल वन का नाम, फाइल वन नाम मालूम है ना, फाइल वन क्या है? शरीर। इस शरीर का नाम तो मंजुनाथ है। ज्ञान में आकर के 29 इयर्स हो गया, बचपन से ही बाबा से जुड़ गया। जब मैं 12 साल का था तब बाबा मिला, अभी 42 इयर्स है। जब से ज्ञान में आया तब से भी मुझे बाबा ने कैसे कैसे पकड़ा वो तो सुनाते जाए तो फिर भी समय की सीमा से सुना नहीं सकता, फिर भी आपको कई बातों के शेयर करना चाहता हूँ। सभी साइलेंस में रहेंगे तो अच्छा है। बाबा के ज्ञान आने का निमित्त मेरा लौकिक मदर बनी। मैं इस संस्था से कैसे आया, एक बहाने से। वो बहाना था सेंटर के बोर्ड पर राजयोगा सेवा केंद्र लिखा था। मेरा मदर क्या समझा कि यहाँ कुछ योगा यानी एक्सरसाइज सिखाते हैं। बचपन से मुझे थोड़ा आस्थमा का प्रॉब्लम था तो मदर ने सोचा कि इसको छोटे उम्र में ही इसको दूर करें, इसलिए थोड़ा योगा सीखे। इसी एक लक्ष्य से क्या किया, हम लोग सेंटर जाने के लिए एक संकल्प करके मदर ने भेजा। तो मैं और मेरा लौकिक बहन दोनों भी बाबा के घर पे जाते थे, सोचते थे कि ये लोग हमको योगा सिखाए। तो योगा को हमने क्या समझा, ये लोग जो योगासना सिखाते हैं ना, पतंजलि वगैरह, ऐसा कुछ आसन सभी सिखाते हैं सोचा। स्कूल में वैसे भी मैं तब 7th क्लास पढ़ता था तो हमने वाइट ड्रेस पहन के गए थे, जैसे ड्रिल में बच्चे ड्रिल सीखते हैं ना, स्कूल में चलता है मास पीटी, ऐसे रेडी होके गए। तो एक कुमार भाई था जो 25 वर्ष का होगा उस समय, उसने हमको कहा कि, हमने बोला कि हमको योगा सीखना है, तो उसने हमको क्या किया, बाबा के रूम में लेके चल के कोर्स बुक निकाल के सब कुछ समझाता था। तो उस समय मुझे बहुत हंसी आता था, क्या है, कार के लिए नाक दिखाते हैं, कान दिखाते हैं, क्या बोलते हैं, हमको तो योगा सीखना है, ये लोग क्या थियरी बोलता है। उसने बोला कल आओ कल आओ, तो वैसे ही 2-3 दिन किया। मैंने संकल्प दृढ़ कर दिया कि नेक्स्ट डे से नहीं आना है, क्योंकि ये थियरी बोलता है, कुछ भी बातें हमको समझने के लिए अच्छा नहीं। फिर उसने बोला नहीं नहीं आप वैसे छोड़ो मत, आपको कल जरूर योगा सिखाएंगे। तो हम वैसे ही तैयारी होके सुबह सुबह 6:30 बजे को सेंटर पर आ गए। सेंटर पर आते ही उसने क्या किया, बाबा के रूम में लेके जाके ब्रह्मा बाबा को देखो ऐसे उनको बिठा दिया, दृष्टि देते ले लो ब्रह्मा बाबा से, और कुछ कॉमेंट्री उसके मन के अनुसार बोल दिया, फिर वो योगा हो गया। तो उसने पूछा कि आप ऐसे योग करना है, मैंने पूछा इसको योग कहते हैं, हाँ इसको योग कहते हैं, क्या इस योग करने से बीमारियां ठीक हो जाता है? तो उसने बोला हो जा भी सकता है। तो फिर मैंने सोचा दुनिया वाले कितना रिस्क लेते हैं, कितना कठिनाइयां सहन करते हैं, अपने पैर को पाँव को कितना वो झुकाने का काम करते, ये तो बैठे बैठे मंत्र जी सा मुझे कमेंट्री दे करके बोल दिया कि योग पूरा हो गया। तो मैंने बोला तो अब से योगा फिनिश हो गया तो कल से नहीं आना। तो हमने पूछा इतना ही सिखाते हैं क्या आपके संस्था में? तो बोलता नहीं नहीं हमारे सेंटर में मुरली होता है। तो मुरली मैंने मैं फ्लूट बजाना समझा, मुझे नहीं मालूम था। तो मैंने सोचा कि ये फ्लूट कैसे बजाएगा उसको देखने के लिए कल मुझे आना है। इसी एक लक्ष्य से मैं सेंटर पर आया। तो उस समय बड़ा हाल था, मॉर्निंग क्लास में इतने लोग नहीं थे, 4 बुड्ढा 2 बुड्ढी 6 बेटे। तो मैंने सोचा कि शायद ये बड़ों के लिए है, मेरे लिए ही नहीं, फिर भी देखेंगे बुड्ढा बुड्ढी कैसे फ्लूट बजाएगा। उसी इंटरेस्ट उसी
भी इंटरेस्टिंग है बेटा। तो बैंक भी आया, ट्रैफिक कंट्रोल सॉन्ग हुआ, सब बुढ़ी पढ़ते रहा। वो बुढ़ा बुढ़ी इतनी प्यार से मोती जैसे लिख रहे, मुझे थोड़ा शर्म आ रहा है। मैंने तो स्कूल में भी ऐसे इतना ध्यान दे करके नहीं लिखा, ये देखो ये बड़े उम्र वाले कितना प्यार से लिख रहे, ये तो क्या है भाई, ऐसे सोचा। फिर मैंने सोचा कि शायद ये कुछ थियरी बोलते, इसके बाद फ्लूट बजाएगा, इसलिए मैं वहां ही खड़ा। तो सभी क्लास हो गया, वो टीचर बहन सबसे पूछा, बाबा ने कहा क्या कहा, बाबा ने क्या कहा। ऐसे ही कहते कहते मेरे साथ ऐसे टर्न किया, उस समय क्या चमत्कार हो गया मुझे मालूम नहीं। मेरे दिमाग में जो जो रिकॉर्ड हो गया मुरली का, सारा पॉइंट्स मैंने बोल दिया, वो सब जोर से बोलने लगा। हमारे सेंटर पर एडवांस पार्टी आ गया, एडवांस पार्टी। मुझे डर हो गया, कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी से नहीं, एडवांस पार्टी क्या है। तो मुझे एक निश्चय हुआ कि हमारे मम्मी पापा को पता नहीं ये कोई पॉलिटिकल डिपार्टमेंट होता है, ये बच्चों को सभी भी अभी पॉलिटिकल में लेकर के कुछ कर रहे हैं, इसलिए हमको सफेद कपड़े पहन के आने को बोलते हैं, सफेद कपड़े पहन के ये कोई पॉलिटिकल पार्टी होगा, ऐसे मेरे दिमाग में था। कल से मुझे नहीं आना है, ऐसे मैंने निश्चय किया। फिर सब होने के बाद सभी बैठो, 5 मिनट बाबा को योग करो, ऐसे बोलो। तो वो भाई ने जो सिखाया था ना कॉमेंट्री, वही मुझे आता था और कुछ नहीं आता था। मैं भी ब्रह्मा बाबा को ऐसे देखता, वो भाई जो जो मुझे प्रैक्टिस कराया ऐसे करना है, बस उसी को मैं अपने मन में रटाते गए। उस दिन उस क्षण अगर बाबा मुझे अनुभव ना कराते तो आज मैं यहाँ नहीं रहता था। बाबा के ब्रुकुटी से एक ऐसे अद्भुत चमत्कारी किरणें ऐसे ही मुझ आत्मा पर पड़ा, मेरा शरीर 1.5 इंच ऊपर उठ गया। फिर मुझे ऐसे लगा मैं हूं, मर गया हूं, पता नहीं। उस उम्र में मेरा मैच्योरिटी भी नहीं, 13 साल का था, क्या मैच्योरिटी होता है। तो वो क्लास हो गया, मैं चल रहा हूँ तो पाव का भी मुझे अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है मालूम नहीं। मैं अपने आप को ऐसे ऐसे करके देख रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ मर गया हूँ, जिंदा हूँ मर गया। फिर उसका इफेक्ट मुझे 2 घंटा तक। फिर मुझे सोचा अरे इधर कुछ जादू है, मुझे कुछ हो भी कुछ ऐसे अनुभव करना है, कल भी ऐसा होता है शायद उसी को मैं अपने मन में रख करके मैं कल भी आया। घर में पूछता था क्या वो योगा सिखाता है, हाँ योगा सिखाता है, क्योंकि ये बोले तो जाना माना करता है ना, इसलिए योगा सिखाता है बोला। तो फिर आया, मुझे पहले उससे भी छोटी उम्र से देवताओं का पूजा करना, और ये फिल्में होते हैं ना देवियों का, संतोषी माँ गणपतियों की फिल्म, उसमें वो ऐसे जादू करता है, ऐसे वरदान देता है, ऐसे किया तो कुछ कुछ अद्भुत होता है ना। मैं सोचता था उनको कौन बनाया ऐसे, मुझे क्यों ऐसे, कोई बनाने वाला नहीं है क्या, ऐसे मेरे संकल्प में आता था मुझे भी ऐसे बन गए तो कितना अच्छा है। तो मुरली में कई बातें ऐसे ही छोटी छोटी देवताओं के बारे में आता था, तो मुझे समझ लिया कि यहाँ बाबा बोलता था बच्चे तुम देवता बनते हो, तुम देवात्माएं, वो सब आता था ना। तो सेंटर में वो बड़े बहन के पास जाकर के पूछा, बहन जी क्या मैं देवता बनता हूँ क्या। बिल्कुल हाँ जरूर तुम बनोगे, लेकिन स्कूल में मत बोलना तुम देवता बनेंगे तो सब हंसेगा। मैंने बोला क्या ये सब सीक्रेट है क्या, अभी सीक्रेट है आगे वो ओपन हो जाएगा बोला। तो मैंने क्या किया, उस बात को ध्यान में रखते हुए वैसे ही ज्ञान मार्ग में चला। सभी भी ये बोलता था कि मधुबन अव्यक्त बाबा आता है ऐसे, उस समय टीवी नहीं मोबाइल नहीं, टीवी में वैसे अभी जैसे पीस ऑफ माइंड कुछ नहीं था ना, मैं तो 25 वर्ष के पहले की बात बोल रहा हूँ, 1990 में ज्ञान में आया। तो उस समय हमको बहुत तो वो सब अजीब चीज लगता था। तो बहन जी से पूछा, बहन जी मुझे मधुबन जाना है। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, आप सभी भी अभी
18 इयर्स भी नहीं हुआ है, हम सभी आपको लेके नहीं जाएंगे उधर, हमको आपके पीछे पढ़ना है, आप अपने माँ बाप को भी ज्ञान में लेके आओ तो लेके जाएंगे। ऐसे वैसे क्या 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 थोड़ा टेक्निक यूज करके मम्मी पापा को भी थोड़ा ज्ञान में लेके आया। ड्रामा अनुसार 93 में हमको मधुबन जाने का चांस मिला। वहाँ ओम शांति भवन में बाबा का मिलन होता था, वो लास्ट होगा शायद 93 में बाबा का हुआ, उधर पद्रामणि का टाइम। अभी ऐसे जैसे पहाड़ में बैठा ऐसे बाबा ऐसे बैठते थे, ऐसे सभी बैठते थे, बहुत अंग संग नजदीक का होता था। तो उस समय बाबा मुरली सुनाने के बाद सभी को ऐसे बिठा के पार्टी को बैंगलोर बीवीपुरम कर्नाटक ऐसे बोला, हम सब बैठे थे, सभी को बाबा ऐसे दृष्टि देता था, मेरे ऊपर भी दृष्टि पड़ा। एक इलेक्ट्रिसिटी को कोई आप जा करके पकड़े तो कैसे करंट शॉक होता है वैसा होता है, बाबा ऐसे देखते हुए एक बहुत बोल दिया था, तुम सब ब्राह्मण छोटी के समान ऊंच कुल वाले हो, ऐसे बोला। मुझे उस समय उसका नशा इतना नहीं था क्योंकि समझने को उम्र नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ हिंदी बहुत कुछ आता था, मेरा सब्जेक्ट फेवरेट हिंदी होने के कारण मुझे हिंदी में बहुत सब कुछ समझाने में आता था। तो सभी ओम शांति भवन गुप्त थे, सभी भी कर्नाटक जोन के हृदय पुष्पा दादी जी, आप सुना होगा ना दादी हृदय पुष्पा, और वो सबसे मिलते थे। तो दादी ओम शांति स्तंभ के पास बैठे हुए थे, सभी जने जाकर के टीचर सभी दादी से बात करते थे, दादी को कुछ कुछ देके आते थे। मुझे संकल्प आया, बाबा मुझे भी वो दादी से मिलना है ना, लेकिन कैसे जाना है उसके पास। मुझे एक अट्रैक्शन होता था दादी के पास जा करके मिलो, लेकिन मुझे लेके जाने वाला कौन है, कोई भी वहाँ हमको पहचान नहीं है। तो मैं काले हाथ में नहीं जा सकता और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने क्या किया, बाबा के कमरे में गया, वहाँ कोई रोज रखा था, वो रोज लेकर के आ गया, और रोज लेकर के बाबा ने उससे मिलना है, कैसे मिलना है। तो उस समय दादी के साथ जो ब्राह्मणी होता है ना, वो दादी के लिए कुछ लेके आने के लिए गया, दादी एक अकेले बैठे थे, मैं उसके पास चले गया। दादी ऐसे देख कर के बोला, दादी ओम शांति। उस थोड़ा उसका आवाज बहुत एक तरह क्या बोलते हैं, बहुत ताकत वाला होता है, एक सिंह के जैसा होता है दादी का आवाज। उसने ओम शांति दादी ओम शांति वैसे देख के, Who are you? ऐसे बोला, I am a soul. You are boss. बोला। फिर दादी को रोज दिया। उस समय ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा, तो दादी मेरा हाथ ऐसे ही पकड़ लिया, पकड़ के 5 मिनट वैसे ही दृष्टि दे दिया, कहा वो एक हो गया मुझे मालूम नहीं। फिर दादी ने वो रोज मैंने दिया ना लेकर के, देखो एक गुलाब जो है ना जैसे खुशबू फैलाता है, ऐसे तुम भी रूहानी गुलाब हो, सब जगह जा करके तुम खुशबू फैलाओगे एक दिन, उस समय बोला था दादी। उस समय मुझे कुछ भी मालूम नहीं, तो दादी से हो गया पूरा। फिर आया भाभी के लाइफ को वैसे ही हम बिताते गए। मुझे थोड़ा ये पढ़ने में इंटरेस्ट कम था क्योंकि बाबा बोलते थे उस समय के मुरली 96-97 में कैसे कैसे बाबा मुरली चढ़ाया, बच्चों को नशा चढ़ाया और इतनी बोलते थे, मुझे लगता था मुझे जल्दी से जल्दी कुछ नौकरी ढूंढना है ताकि मैं जा करके जॉब करना है और कब मन लगे तो मधुबन भागना है, ऐसे सोचता था। तो ऐसे सोच करके मैंने क्या किया, वैसे ही SSLC हो गया मेरा 10th क्लास, उसके बाद मैं डायरेक्ट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में ज्वाइन हो गया। और डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस वैसे भी पूरा करके एक जॉब में लग गया, फिर मुझे संतुष्टि नहीं हुआ। उसके बाद कई प्रकार के प्रॉब्लम जीवन में आते गए। मैं जब भी मधुबन जाता हूँ ना, इतना कैसेट लेके आना, इतना CD लेके आता हूँ, सुनते वक्त अच्छा लगता, बहुत नशा चढ़ता है, बाद में 15 दिन के बाद वैसे ही गुम हो जाता है। मैं बाबा से बहुत झगड़ा करता था, बाबा मुझे ऐसा वैसा नहीं, मुझे कुछ साइंस चाहिए, मुझे कुछ विज्ञान चाहिए, ऐसा मुझे टेक्निक चाहिए जो ब्रह्मा बाबा ने अडाप्ट किया। ब्रह्मा बाबा एक आत्मा को पकड़ा, एक आत्मा के स्टेज से वो इतना संपन्न हो गया, उसने क्या पकड़ा होगा मुझे चाहिए, आप मुझे बता। तो ऐसे बाबा से लंबे समय तक मेरा क्या होता था, बाबा से एप्लीकेशन होता था।
फिर मैंने सोचा ये क्या है बीके लाइफ में जो बाबा कहता है इतना पावरफुल नॉलेज देता है उसको धारणा लेने के लिए कोई भी इसका पीछे का विज्ञान नहीं समझाते हैं ना, मुझे वो विज्ञान अंदर नहीं जा रहा है, मुझे चाहिए प्रूफ चाहिए प्रैक्टिकल चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है। तो वैसे बाबा के पास में कभी कभी हंसते रोते थे, बाबा से बोलते थे। तो 5-6 साल के पहले शायद 2013 में मैं मधुबन गया था। मधुबन में ज्ञान सरोवर में बाबा के रूम में बैठा था तो बाबा ने मुझे टच ही दिया, बच्चे अगले साल तुम यहाँ सेवा के लिए आओगे। मैंने सोचा बाबा मैं कैसे सेवा में आऊंगा, मेरे को आने जैसा वैसे कोई भी तरह की छुट्टी ही नहीं मिलता है, मैं कैसा आऊं। फिर भी ऐसे वैसे मैं कल्पना समझ के चले गए। 2014 में मैं वैसे ही मधुबन में आया, सीडी डिपार्टमेंट में कुछ सेवा करने लगा और बाबा के कमरे में बैठ के नुमा शाम को योग करता था। तो मेरे आवाज में एक आवाज आया, वो गूंज रहा था वो आवाज, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। तो वो आवाज मेरे कानों में पड़ रहा है, एक कोई म्यूजिक डाला है या कोई कुछ डाला है पता नहीं। बाहर आने के बाद मैंने किसी से पूछा, भाई आपने कुछ सुना? नहीं कुछ नहीं सुना, एज नॉर्मल। तो मेरे आवाज में वो कुछ आवाज जा रही, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, पता नहीं वो क्या है ऐसे। पर अब बाबा के पास में जाकर बैठ के योग करता हूँ, बाबा मुझे कुछ टचिंग दे रहा है, बच्चे तुम्हें ऐसे कुछ सेवा करना है, ऐसे कुछ रिसर्च करना है, तो सबको भी सहज रूप से समझाना है, ऐसे तुम्हें कुछ करना है। तो मैंने तो उसको हंसी के रूप में ले लिया, मैं क्या रिसर्च करना है, बड़े बड़े बेटा है जो ऑलरेडी करके सब जगह से आपको प्रत्यक्ष कर रहे हैं, मैं तो कोई साधारण में हूँ, मेरे से क्या रिसर्च होता है, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे हल्का ले लिया मैंने। फिर उस समय मुझे एक संकल्प था, पूरा का पूरा 1969 से जितने भी मुरलियां हैं वो सब कलेक्ट करना, वो सब करके घर में गया और उधर अलमारा में लगा, स्टे मैंने उसको खोला नहीं, ऐसे वैसे कॉमन लाइफ बीत गए। एक दिन रात को शायद 1 बजे होगा रात को, मुझे नींद खुल गया, फिर उठा, फिर वही आवाज आता है, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। क्या है शुद्ध आत्मा तो मैंने सुना ही नहीं, इतने बार बोल रहे कि क्या है शुद्ध आत्मा, बाबा ने किस मुरली में कहा होगा, मेरे जानकारी में तो इतने साल में नहीं आया। फिर मैं क्या की, वो सब मुरलियां लेकर के बाबा के सामने बैठे, बाबा आज एक फैसला होगा, अगर आपके मुरली में ये शब्द होता है शुद्ध आत्मा, इसके बारे में आपने कुछ भी बोलना होगा तो ही मैं इसको आपने टच किया मानता हूं, अगर आपने मुझे उसको स्पष्ट नहीं किया ये तो मेरा कल्पना बोल के आज ही इसको फुल स्टॉप लगा देता हूं। ऐसे बाबा के पास बैठ करके सब मुरली खोलते गया। मुझे 2 घंटा खोल के कहा भी नहीं, फिर मुझे टकावट होकर के छोड़ दो, ये सभी नाटक है, ये सब कल्पना है, मेरा कल्पना इमेजिनेशन, ऐसे बोल करके छोड़ दिए। फिर एक तरह की स्ट्रॉन्ग संकल्प आया, इस मुरली को खोलो। वैसे ही मुरली खोला, 1976 पेज नंबर 42 वैसे ही खोला, तो मुझे वो शुद्धात्मा के बारे में बाबा ने जो बोला है वो सब में जो टचिंग हुआ वो सब उसमें देखने लगा मुझे। तो मुझे एक विश्वास हो गया, अरे ये तो मेरा कल्पना नहीं है। तो वैसे मैं छोटा छोटा सेंटर में कभी कभी जाते तो पहले बोलते हैं भाई जी कुछ क्लास करो, तो मैं भी सबके जैसे मुरली क्लास में बुक उठाना कुछ पढ़ना और सभी को ब्रह्मा भोजन वगैरह होना चले जाते। एक सेंटर पर गया, वहाँ बैठ करके ऐसे योग करता था, बाबा मुझे फोर्सफुली और स्ट्रॉन्ग टचिंग दे रहा है, बच्चे सभी को बुलवाओ, मैं शुद्धात्मा हूँ बुलवाओ, ऐसे बोला। तो मैं बैठ करके सबको भी मैं शुद्धात्मा इतना नॉलेज नहीं है मुझे, वैसे बुलवाया। 15 मिनट बोलने के बाद वो बहने इतना हो गया, आधा घंटा हो गया,
ओम शांति बोला, किसी ने आके नहीं बोला। फिर 10 मिनट रुका, ओम शांति बोला किसने, मुझे डर हो गया कि इसको क्या हो गया नहीं। फिर मैं उनको तोड़ा फोर्सिबली, ओम शांति बोल के, तो भैया हम क्या इस दुनिया में थे, हम थे, हमको मालूम नहीं क्या क्या हो गया, पता नहीं। फिर सभी बोला, भैया आपको बाबा जो टचिंग करा है बोलते हो ना, वो चुपके नहीं कराता है, कुछ इसके पीछे राज है, आप उसके पीछे थोड़ा काम करो, थोड़ा काम करो। अरे माता जी मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं क्या रिसर्च कर लूं, उसके बैकग्राउंड भी मालूम नहीं, उसके बारे में मैं क्या जाकर के लोगों को बोलूं, कोई आकर के मेरे प्रश्न करे, आप मन मत मिक्स कर रहे तो मैं क्या आंसर दे दूं। मेरे पास नहीं भैया, ऐसे मत समझो, आपको बाबा कुछ करा रहे हैं, आप उसको सीरियसली लो। वैसे मैंने हल्का ले लिया। एक 2 महीने के बाद एक भाई ने एक पत्र पुष्प लेकर आकर के बोला, मंजू भाई देखो आप शुद्धात्मा बोलते हो ना, वो शुद्धात्मा के बारे में जानकी दादी क्या बोल रहे, देखो एक में जब बाबा के समय में जब वो लोग तपस्या करते थे तब सभी बैठ करके जोर से बोलते अभ्यास करते थे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, दादी जानकी बोल रहे। फिर एक भाई ने क्या किया, मुझे एक वीडियो फॉरवर्ड किया, देखो आप इसको इतना हल्का ले लेते हो, सुनो एक बार बाबा कैसे आपसे सेवा कर रहे हैं ये आपको पता नहीं है, इसको आप सीरियस ले हो बोल करके मुझे एक वीडियो भेजा। वो वीडियो में रतन मोहिनी दादी वो दो बात कह रहे थे, वो मेरा दिल छू गए, छू गए। आपको दिखाता हूँ वो उस वीडियो को, मैं जस्ट वॉइस डालता हूँ। जाते हैं राज बुद्धि में सुते ही बैठ जाते हैं, जब बुद्धि अच्छी होती है तो कौन से राज बुद्धि में सुते बैठ जाते हैं, कौन से, मैं शुद्ध आत्मा हूं, कौन सा राज, मैं कौन हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, केवल आत्मा आत्मा नहीं कहो, शुद्ध आत्मा हूँ, तो शुद्धता क्या है उस पर आपका मंथन चलेगा। तो एक बात मुझे और भी पक्का कर दिया उस समय कि दादी ने भी बोला, बाबा ने भी कुछ मुझे टच कर रहे, मुरली में भी आया, जानकी दादी के पत्र पुष्प में भी देखा, तो क्या करना है मुझे। ऐसे सोचते मैं कभी कभी ऐसे ही एकांत में बैठता था तो बाबा मुझे कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें मेरे दिमाग को टच होता था, किसी ने किसी रूप से मेरे पास वो कंटेंट उसका आता था कुछ ना कुछ। एक बार सेंटर पर मैं बैठ करके ऐसे करते तो बहन जी से बोला, मुझे मालूम नहीं बहन जी, कुछ मुझे मन में आ रहा है, कुछ मैं लोगों को एक्सप्लेन करना, तो मुझे वो टच हो रहा था, बोर्ड रखो मैं बोर्ड रख करके सबको समझाए, वो छोटा मोटा बातें समझाए, वो भी आधा घंटा एक घंटा हो सकता है, इतना छोटा समझाए सबको अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा मेरे तो काम काज में ही समय चले जाता है, स्कूल का काम करो, वो काम करो, ये काम करो, मुझे स्टडी करने के लिए कहाँ मिलता है समय, लेकिन बस में जाना बस में आना, और जब मैं कहाँ ना कहाँ काम पे जा करके थोड़ा एकांत में बैठता हूँ कुछ ना कुछ मुझे टच होता था, तो वैसे छोटा 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 रूप से टच होता था। मैं क्या करता था, कई जगह जानने वाले मुझे लेके जाते थे, छोटा भट्टी करता था। एक आंध्र प्रदेश के टीम आया था, वो आकर के मुझे पूछा, भाई जी क्या आप कर्नाटक के लिए ही आप सीमित हो क्या, हमारे जगह पे नहीं आते है क्या, हमारा लोगों को जगाते नहीं क्या। वैसे बाबा चार्ज देंगे तो लेंगे, ऐसे बोला। उसने क्या किया, उसके टीचर को जाकर के काकीनाडा अमलापुरम में वो बोल दिया। वो टीचर बहन क्या किया, आपको आना है ऐसे हमारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरह क्लास कराते हैं, आप आना है बोल करके। मैंने हल्का लिया वो फ्लाइट बुक टिकट बुक करके मुझे व्हाट्सएप में सेंड कर दिया। मैंने सोचा कि अच्छा बने, मुझे तो वो बड़ा जोन बोलता है, वहाँ का जो निमित्त जोन इंचार्ज है वो मालूम नहीं, 20 टीचर्स है, कम से कम उसके 20-25 सेंटर है। ऐसे मैंने सोच करके बाबा पर छोड़ करके मैं बिजी हो गया। जब मैं वहाँ आंध्र पहुंचा, जो वहाँ के बड़ी बहन है उससे मुझे कुछ भी यही नहीं है क्या,
परिचय नहीं है, सब बोलते थे हमारा दीदी बहुत स्ट्रिक्ट है, she is very strict. तो मुझे लगता था ये बाबा मुझे कहाँ जा करके फंसा रहे हो, ये क्या करो, ये क्या है वैसे. वो दीदी क्या समझता था, ये भाई तो कर्नाटक वाला है, एक तेलुगु कैसे बोलेगा, उसको तेलुगु कैसे आएगा सोच के मुझे दो दो घंटा दिन के लिए फिक्स करके अपना खुद का एक टाइम टेबल चार्ट बना दिया. तो मैं गया, जो टीचर हमको प्रोग्राम फिक्स किया वो टीचर वहां नहीं है ही नहीं, वो मजबूत चले गया, मैं और भी फंस गया, क्या करना है पता नहीं मुझे. तो गया जाकर के दो घंटा, सब देर 200 लोग बैठा है, सभी तीन बस से आया है आंध्र प्रदेश से, वो ऐसे जगह है जहां टेलीफोन भी नहीं लगता है, ऐसे इंटीरियर में लेके गया, वहां भर्ती कराना है मुझे. सभी बहुत उत्साह में बैठा है, क्या बोलेगा क्या बोलेगा. मैं तो आया एक 40 मिनट किया, वैसे देखते रहा, दूसरा दिन भी कुछ करना था, मेरे पास था केवल दो दिन के लिए कंटेंट, वो भी मुश्किल से कुछ कुछ लगाया मैंने. तीसरे दिन के लिए भाई बहनों देखो बाबा कैसा जादू करता है, तीसरे दिन के लिए मेरे पास कुछ भी कंटेंट नहीं, 5 दिन कराना है, 40 घंटा कराना है, 2 दिन के लिए मेरे पास कुछ था मैं बताया सुनाया, 3 दिन और है बाकी, मुझे क्या करना है पता नहीं. बाबा के पास जाता हूँ, बाबा को बोलता हूँ बाबा ये आपका ही रेस्पेक्ट का बात है, मेरे लाज रखो, अगर मैं उधर जाकर के कुछ नहीं करा तो ये आपका ही डिसरेस्पेक्ट होता है, आपने मुझे यहाँ तक लेके आया है, ये मेरे लिए नहीं आपका रेस्पेक्ट हो जाता है बाबा, लाज रखो ऐसे बाबा को. बाबा बोलते तुम कौन करने के लिए, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, जाओ ऊपर. क्या है बाबा बोलते बाबा आप ऊपर से है, आकर के नीचे डमरू बजाओ, तुम तो शिव हो ना, डमरू बजाओ क्या करेंगे बोल के. आप सच माने या ना माने, बेटा लोग लगाया बोल के पास गया, मार कर लिया, क्या बोलना है पता नहीं, ऐसे फ्लो आया फ्लो आया फ्लो आया, पूरा रिकॉर्ड हो गया. बाद में उसके दाल के देखता हूं ये कौन बोला मुझे ही मालूम नहीं. इट इज अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस इन माय लाइफ. मुझे मैं खुद ही उसको मानने के लिए बहुत आश्चर्य फील होता है. वो दीदी इतना क्लास के लिए सिद्ध हो गया, वो बहुत स्ट्रांग था, खुद आकर के डायरी लेकर के बैठा लिखने के लिए. बाबा ये क्या हो रहा है. ऐसे होते होते वहां से थोड़ा थोड़ा फैलता गया, विजय हो वैजाग विशाखापट्टनम में फैल गया, वहां के लोग बुलाया, वहां थोड़ा करते थे वो 6 महीने को बुला के कराते थे. फिर बोला भाई जी आप केवल जनरल क्लास नहीं, हमारा टीचर बहनों को कराओ. मैंने बोला टीचर बहनों को, उन्होंने कराना जैसे योग्यता मेरे में है. नहीं भाई जी आप करा सकते हैं, आप करो. 150 टीचरों को करा. भाई जी आप कुमारों को करो. कुमार माना मुझे थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी कुमार हूं ना, थोड़ा मस्त होता है उसका करा. और कुमारिया भाई जी हमने क्या भूल किया आपको, कुमारों को कराते हमको क्यों नहीं कराते, हमारा भी प्रॉब्लम चाहिए. तो कुमारियों को करा. मुझे विदाउट माय नॉलेज मैं उसके लिए योग्य हूं ना हूं ये भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन बाबा ने गुप्त रूप से ऐसे मुझे अपने हाथ पकड़ के चलाया. मुझे एक डर था कोई ना कोई आकर के मुझे प्रश्न करेगा, कुछ ना कुछ रीति से मुझे कोई आरोप लगाएगा. तो बाबा ने ऐसे 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 जादू करते गया, कहा भी वो लेके जाते हैं कहा भी. अभी से 5 साल तक करीब 100 सेंटर से भी ज्यादा सेंटरों में वो बट्टियां कराना भाग्य हमारे खाते में जमा हो गए. करते 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 बाबा पहले 2 दिन को प्रिपेयर किया, फिर 5 दिन को प्रिपेयर किया. ये सब हमको मालूम नहीं था. ये पंचामृत आपको सुनाया, ये अमृत वेला वेरायटी वेरायटी बाबा के प्यार में डूबना, मुझे बाबा टच करता था. बच्चे अमृत वेला किसी को नींद करने नहीं देना, उठाओ
ले जाओ कराओ। कभी कभी रात को सोता हूं तो मुझे संकल्प आता है कुछ करना है, तो बाबा टच करता है, या किसी ना किसी के व्हाट्सएप में कोई ऐसे गीत आता है, मुझे कनेक्ट हो जाता है, इसको कनेक्ट करके ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। एक्सपेरिमेंट के लिए कहा, कर दिया, सभी अनुभव कर लेते, तो उसको एड अप कर देना। ऐसे करते 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 फिर बाबा ने मुझे एक संकल्प देता था, बाबा मुझे ये गदाई कब तक करना है, बाबा आप में तो इतना टचिंग करते हो, मैं घर को तो देखना है, मेरा फाइल्स 2 और 3 है, पापा मम्मी है, उसको देखना है। तो बाबा कहते थे मुझे ऐसा एक दिन आएगा तुम तो यहाँ वहाँ नहीं रहेंगे, तुम तो एक के बच्चे हो, तुम्हारे से मेरे सेवा कराना है, तुम बेंगलुरु में ही आना है। मैंने बाबा मैं क्या बेंगलुरु में आऊँगा, वहाँ तो कास्ट ऑफ लिविंग बहुत है ऐसे। तो बाबा ने छोड़ा नहीं, जो मुझे टचिंग किया 6 महीने के बाद, कोई एक बट्टी में मैं गया था, एक बाय आकर के मुझे पकड़ा, आप क्या है बाय, इतना एजुकेटेड हो करके आप डरते हो, रखो पाओ बेंगलुरु में, देखो तुम्हारा जीवन में क्या क्या बाबा बदलाव लाता है। भाई साहब मुझे तो वहाँ सिटी में आना बहुत कष्ट, नहीं नहीं आपको आना है। तो उसने घर ढूंढा, उसने बाबा के सेंटर के सामने घर को सेट कराया और पेरेंट्स को कन्विंस किया, लेके आ गया। और पेरेंट्स पहले ज्ञान में कच्चे थे, फिर क्लास में जाते जाते अभी मेरे से भी पक्के हो गए, इतना पक्का हो गया है। रात पूरा फादर वो मुरली लेकर के लिखते रहते लिखते रहते, कोई टीचर बने आए तो उसको वो क्लास सुनाना लग जाता है, ऐसे वो लोग तो कर रहे हैं। फिर मैंने बाबा को देखा, बाबा अभी आ गया है, आगे मेरा जीवन कैसा। तो बाबा कहते थे जो जिसको मेरे ऊपर भरोसा है, जिसको मेरे ऊपर निश्चय है, उसको मैं चलाता हूँ। तो हमने क्या किया, जब से वो घर पे गया, हम तीनों मम्मी पापा मैं तीनों भी एक निश्चय किया, हमारा घर का मेंबर, हमारा हेड ऑफ द फैमिली बाबा। ऐसे बाबा को बिठा करके हर बार घर में कुछ सब्जी लाया, घर में कुछ दूध लाया, घर में कोई कोतामरी लाया, कुछ भी लाया, बाबा के पास रखना, बाबा के पास रखना, बाबा ये आपका एक निका प्रसाद है, आप हमको पालना कर रहे, आपका दिया हुआ पालना है, ऐसे समझना, रख करके किचन में रखना। ऐसे करते थे, कुछ चीज खत्म होता है वो बर जाता है, कैसे बरता है मालूम नहीं, कोई ना कोई आता है उसको दे देता है, ऐसे ही करता रहा। आगे क्या करना है बाबा, करते रहा, ऐसे दिन बीतते रहे, प्रोग्राम अपने आप सेटिंग होता रहा, एक एक महीने के लिए मेरा प्रोग्राम सेटिंग होता रहा। लास्ट 4 मंथ्स के पहले, 4 महीने के पहले मेरे जीवन में बहुत बहुत बड़ा पेपर आ गया। मैं एयर फ्लाइट के लिए 2 घंटा था सेंटर में, सब ब्रह्मा भोजन सब हो गया, कुछ शिवरात्रि का प्रोग्राम सब हो गया, भाई एक मुझे एयरपोर्ट के बस को चढ़ाने के लिए मुझे बाइक में लेके भी गया, उसने मुझे बाइक से उतराया, मैं एक रोड में खड़ा हूँ, मुझे एक बस को पकड़ना है, वो रोड खाली था, मैं सोचता था मैं ठीक टाइम पे आ गया, बोलते हैं ना हिसाब किताब जहाँ भी हो तो वो आकर के आपका अपने टाइम पर अपना काम करता है। ऐसे वो क्या हो गया, 2-व्हीलर में 3 लोग बहुत ओवर स्पीड में आ रहा था, मैंने सोचा वो लोग वैसे ही चला जाएगा, वो लोग इतना स्पीड में आकर के मेरे सामने आकर के मेरा टांग पर वैसे ही धक्का मार के मुझे फ्रैक्चर कर दिया, मैं वहां गिर गया, मेरा बैक बोन पूरा फ्रैक्चर हो गया, टिबिया फ्रैक्चर। फ्लाइट के लिए मुझे 1 घंटा है और मैं उठ नहीं सकता हूँ। उस समय मैं एक ही संकल्प किया, बाबा मरे तो भी तेरे गले में आ जाऊंगा, लेकिन मुझे कभी हैंडीकैप तो नहीं जीना है, किसी के लिए बोझ नहीं बनना है, बचाना तो बचाओ, मराना तो मर जाए शरीर, ऐसे संकल्प करते बाबा बोल के बुलाया। जो फ्रेंड मुझे वहां छोड़ा था उसको फिर खिंचावट हुआ, कुछ साउंड हुआ है, वो फिर वापस आए,
फिर वापस आए करके मुझे देखा और तुरंत अस्पताल में जाकर के लेके गया। मैं घर वालों को नहीं बोला क्योंकि मुझे मालूम था है वो लोग थोड़ा ओल्ड एज है, अगर मैंने बोल दिया एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो वो शॉक हो जाता है और इसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो मैंने क्या किया, बाबा के ऊपर डाल करके वो भाई ने बोला देखो आप जान बचा दिया भगवान ने, उसको शुक्रिया मानो, आप चिंता मत करो कुछ भी, चलो हम एडमिट करेंगे बोल के एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। वो लोग देख करके बोलता है कि आपका पाव तो पूरा फ्रैक्चर हो गया है, अभी आप चलने के लिए नहीं होता है, हमको आपको ऑपरेशन करना है, उसके लिए 80,000 होता है, ये होता है, वो होता है, सब दर्द। मैं फिर भी वैसे ही शांत रहा। फिर वो बाय जाकर के उससे कुछ बातचीत किया, थोड़ा कंसेशन लिया, उसी रात को ऑपरेशन हो गया। मैं किसी को बताएंगे तो माता पिता को बताएंगे तो वो सब भी बहुत शॉक हो जाता है। नेक्स्ट डे मेरा सर्जरी भी हो गया, मैं हॉस्पिटल में था, फोन करके घर में बोल दिया मैं वाइजाक विशाखापट्टनम पहुंच गया हूँ, मैं एक हफ्ते तक तो बहुत बिजी हूँ, मुझे फोन मत करना बोल के फोन रख दिया। और सभी बीके बहने जो भी संबंध संपर्क में वो सब आकर के आप इतने के बच्चे हैं, आप क्यों ऐसे हैं, आपको क्या सहयोग चाहिए, आप लाखों का सेवा करने वाला है तो हम आपके किया तो भगवान का दुआ हमको मिलता है, हमको एक पुण्य का एक अवसर दो, अवसर दो, ऐसे बोल करके सब सहयोग किया। फिर 5 दिन हो गए, डिस्चार्ज होना है, अपने लौकिक सिस्टर को बताया, वो बहुत रो करके फिर नेक्स्ट डे घर पहुंच के पेरेंट्स को थोड़ा स्ट्रांग किया, कुछ भी बताया नहीं, शाम को मुझे डिस्चार्ज होना है। डिस्चार्ज होके घर को आने में आधा घंटा था तो वो मम्मी पापा को बिठा करके बाबा का याद करा के उनको थोड़ा हल्का रूप से बताया कुछ नहीं हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और उनका मेंटल स्ट्रांग किया। फिर मैं घर पे आया, सब पेपर पर्वत जैसा था ना, वो पूरा हल्का हो गया। फिर मैं प्रोग्राम में ही चल पाया, वो दीदिया सभी भी नाराज नहीं हुआ, मंजू भाई आप चिंता मत करो, आप 3 महीने तक रेस्ट ले लो, नेक्स्ट आते वक्त में 2 महीने आपको नहीं छोड़ेंगे, ये आपके जीवन में ऐसा बड़ा मुसीबत आ गया है और संगम युग के पूरा हिसाब किताब चुप्त हो गया, समझो हम सबका दुआ आपके पास है, ऐसे बोल करके सभी दुआ दिया। सभी दीदिया घर पे आना, योगदान करना, मेरा 2 महीने तक उसका थोड़ा रेस्ट हुआ। फिर और एक भयंकर पेपर आ गया, पिताजी को थोड़ा लिवर का बहुत प्रॉब्लम हो गया, लिवर साइरासिस हो गया, उसको ब्लड वॉमिटिंग हो गया, मुझे तो चलना नहीं होता है, मम्मी को तो कुछ पता नहीं पड़ता है, लौकिक सिस्टर एक बेटा है, एक बहुत बड़ा पेपर आ गया। और उसको तुरंत ही कोई बीके भाई को बुला के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, सब बोल दिया नो गारंटी, नो गारंटी, नो गारंटी। फिर भी मुझे एक विश्वास था, मेरा बाबा बैठा है, वो डॉक्टर क्या है, डॉक्टरों का डॉक्टर, बापों का बाप वो बैठा है, क्या नहीं हो जाए देखूंगा, ऐसे सोचता था। तो सबको मैसेज भेजा, आप चिंता मत करो, आपका जीवन में ऐसा भी पेपर आ गया, आप सबको कर्म कर्म की कहानी बताते हो, अभी कर्म की कहानी आपका भी एक जीवन की कहानी हो गया है, और भी अच्छा हो जाएगा आपका जीवन में बोल करके सभी योगदान किया। अभी पिताजी आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, आराम से भी है, इसलिए मुझे ऐसे ऐसे आना हो गया। ऐसे बाबा ने इतना बड़ा प्रॉब्लम में कैसे साथी बनते हैं, जो सूली को कांटा बना देते हैं जीवन में, ये आपको मैंने एक उदाहरण में शेयर किया। अभी मेरा लक्ष्य एक है, 2 मिनट में मेरा अनुभव कंप्लीट करता हूँ। मुझे कभी भी ये संकल्प नहीं आता है मुझे फेमस बनना है, सेलिब्रिटी बनना है, सबका नाम लेना है, आई डोंट हैव दैट डिजायर। मुझे एक ही लक्ष्य होता है, भाई बहनों आप सबकी दुआ मुझे चाहिए, सभी शान से इधर देखो, मुझे एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है, बाबा मारा जीवन साथी, प्राणों का प्राण, उसके लिए गुरु दक्षिणा देने जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन लेकिन मेरे बाबा से एक अपने तरफ से एक चैलेंज रखा, वादा किया, बाबा बाबा
ये शरीर कब छूटता है मुझे मालूम नहीं हिसाब किताब के अनुसार, लेकिन मुझे एक आशा है, आप कहते रहते हो ना सांशोस फादर, उसको प्रूव करना है, ये शरीर छूटने के पहले कम से कम 1 करोड़ शुद्ध आत्माओं को जागृत करके मुझे शरीर चाहिए। ऐसे आत्माओं को मुझे आपका पहचान कराना जो गृहस्थ में है, बोला है, अनपढ़ है, कर्मों के बंधन में है, जो पढ़े लिखे कोई भी हो, ऐसा ज्ञान समझाना है जो सबको समझ में आए, जीवन में एक चेंज आने जैसे हो जाए, परिवर्तन हो जाए, वो बोले बोले माताएं जो है उसके आंखों में आपके प्यार के आंसू देखना है, आपके लिए मरने वाले मुझे चाहिए बाबा, ऐसे वालों को मुझे देखना है, बहुतों को यज्ञ में रहते आपके लिए जीवन दिए हुए हैं लेकिन कर्मों की गुह्यता ना मालूम होने के कारण सभी भी इतना ठड़प रहे हैं, उनको ऊपर उठाना है। बाहर वालों को जन्म देने के लिए बहुत सर्विस हो रहा है, वो तो होते रहेगा, लेकिन जो ऑलरेडी आपके बन गया ना उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। ऐसे बाबा से वादा करके 5 साल से कई कई जगह पर विदाउट माई नॉलेज बाबा कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, वैसे तो आंध्रा में बहुत ज्यादा हुआ, कर्नाटक में हुआ, कई जगह महाराष्ट्र में हुआ, अभी उत्तर प्रदेश में भी, दक्षिण भारत उत्तर भारत दोनों मिलन जैसे यहाँ हम आपके सामने आ पहुंचे हैं। और बहुत सबसे बड़ी गर्व का बात है, या बाबा को कितना टैंक्स थे तो भी कम है, जब हम लक्ष्मेश्वर एक जगह पे गए थे हुबली के पास, वहाँ हमारा एक डॉक्टर भाई गिरीश भाई है, उसने हमको बोला कि आप कानपुर में जा सकते हैं, कानपुर मुझे तो पहचान नहीं, नहीं नहीं आप कुछ नहीं करो, वहाँ हमारा एक भाई जी है प्रकाश भाई, हमारा बहुत प्यारा भाई है, उसको आपका प्रोफाइल भेज दो, आपको बाबा वहाँ लेके जाएंगे। मैं बोला भाई जी मैं वहाँ यहाँ कैसे जा सकते, नहीं नहीं आप जा सकते हो, आपके पास वो टैलेंट है जाओ। वो भाई जी को अपना सब कुछ दे दिया। तो फिर मैं सोचता था, तो बड़े बहने जो है हमारा सिटी जोन के पद्मा बहन जी, वो भी बोला था आपको बाबा ने विशेष गिफ्ट दिया है, आप जा करके सब जगह बांटो, कोई आपको बंधन डालने वाला नहीं, ऐसे ही सेवा आपकी ज़रूरत है। फिर मैं नवंबर में मधुबन में गया, किसी ने बोला सूरज भाई को, सूरज भाई हाँ भैया ये भाई बहुत अच्छा है, ये करने का योग्यता है, भले करे, सब जगह भी ये ज़रूरत है, हाँ सभी जगह सभी नहीं जा सकते हैं, ऐसे ही वाले और तैयार होना है एक दिन में, वो भी बोला। फिर रतन मोहिनी दादी के पास गया, दादी ऐसे कर रहे, अरे करो ना सबको भी शुद्धात्मा जागृति कराते हो, इससे अच्छा सेवा क्या है, करो ना। वो बड़े भी मुझे थोड़ा आशीर्वाद दे दिया। वैसे वैसे भी मैं प्रोग्राम करता था, एक बाजी से मुलाकात हो करके फाइनल किया, तो मैंने सोचता था यहाँ आने के बाद यहाँ कैसे मैं कर सकता हूँ, सबका संतुष्ट कैसे हो सकता है, मैं तो निमित्त हूँ, कराने वाला करा है, अप्लीकेशन बाबा को डालने वाला डालता है, मुझे यूज करने वाला बाबा है, क्या करना है तो करो। तो यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रकृति ने भी बहुत सहयोग दिया, बाप दादा ने बहुत सहयोग दिया, और यहाँ के बहने तो इतना अच्छी तरह से हमारा जो भी नेचुरोपैथी सिस्टम है उसको कुछ भी इफेक्ट ना हो ऐसे पालना दे करके, भाई जी तो इतना सबसे मिल जाता है, लीडर क्वालिटी भी है और सर्वेंट क्वालिटी भी है, गॉड स्टूडेंट क्वालिटी भी है, उसको देखते देखते हमको ऐसा लगता है एक वरिष्ठ भाई से बाबा हमको मिला दिया। तो अभी ऐसे फील होता है कानपुर वाला केवल कानपुर वाले है नहीं, पूरा कान ओपन करके ज्ञान सुनने वाला कम नहीं, एक क्लास भी नहीं मिस करता है, एक वर्ड भी मिस नहीं करता, पूरा जीवन में उतारने वाला है ऐसे लगता है। तो सभी दीदियों को माँ दीदी बोलो, और भी जो भी निमित्त दीदिया है सभी को बहुत 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 दिल का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। खास हमारा प्रकाश भाई को क्या कहे, कोई जन्म में कहा ना कहा भाई जी के संबंध में भी आया होगा, इसी जन्म में भी उसके कनेक्ट में आ गए ऐसा लगता है। और ब्रह्मा भोजन जिसने बनाया गुप्त रूप में उसको भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ साउंड सिस्टम वगैरह शिव भाई ओ ये एक्स वाई जेड जो भी है मुझे नाम इतना मालूम नहीं, लेकिन एक मालूम सब शुद्धात्मा है। सभी ने बहुत अच्छी तरह सहयोग दिया, इतना अच्छी तरह से इस शुद्ध आत्मा का काका को जमा करने के लिए निमित्त बना। परम पवित्र सागर बाबा को बहुत शुक्रिया,
मुझे एक ही एक आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सभी भी मुझ शुद्ध आत्मा को और भी दुआ दीजिए ताकि हम जाकर के बहुत आत्माओं को जगाए, शरीर भी हेल्दी हो और हम भी बंधन मुक्त हो। ये आप सबसे मेरा एक दुआ का मांग है। ऐसे प्यारे बाबा को, बड़ों को, आप सभी आप शुद्ध आत्माओं को कोटि 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 नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओम शांति ओम शांति। बहुत सुंदर आदरणीय भाई जी ने अनुभव शेयर किया।